वर्ड्सवर्थ एक प्रकृति कवि के रूप में सर्वोच्च है। वो एक नेचर प्रेमी थे और कॉकरमथ जो था 1770 में वो पैदा हुए थे। और उनका जो बचपन उनकी सिस्टर जो थी उसके साथ में ऑलवेज के साथ में बीता हुआ था। स्टेंजा, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। एक बार एक कवि झील के बगल में भटक रहा था, मीन्स वही विलियम वर्ड्सवर्थ, वह अकेले ऐसे भटक रहा था मानो जैसे कोई अकेला बादल घाटियों और पहाड़ियों पर से अकेला गुजर रहा है। अचानक वह झील के किनारे बड़ी संख्या में इकट्ठे डैफोडिल्स को देखता है। वे डैफोडिल्स एक पेड़ के नीचे छाया में आश्रय लिए हुए थे। वे सोने के समान चमक रहे थे और हवा में ऐसे हिल रहे थे मानो वह हवा में नृत्य कर रहे हों। और डैफोडिल्स की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि वे संख्या में वह जो कविता उनका अनुमान नहीं लगा पा रहा था। डैफोडिल्स ऐसे फूल होते हैं जो अपने आप नेचर में उगते हैं। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, द स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे 10,000 आर। कवि के अनुसार अनगिनत चमकते हुए सितारों के समान वे दिखाई दे रहे थे, जैसे आकाशगंगा में हजारों लाखों तारे हम देख सकते हैं। कवि की नजर जब उन पर जाती है उन्हें एक संख्या असंख्य डैफोडिल्स खुशी से सर हिलाकर नाचते हुए समझ में आते हैं। डैफोडिल्स की सुंदरता के सामने वो तारे भी फीके पड़ जाते हैं, इसलिए जो कविता उसकी सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसा एहसास हुआ कि कवि जो प्राकृतिक अनुग्रह है, प्रकृति के प्रति उसका जो प्रेम है वह अति संवेदनशील है। वह इस तरह से समलैंगिकों और सुंदर फूलों की उपस्थिति में बहुत ही खुश महसूस हो रहा था और वह डैफोडिल्स को बार बार देख रहा था। यह दृश्य उसके मस्तिष्क में हमेशा के लिए कैद हो जाता है और भविष्य में जब वह कभी अकेला और उदास होता है तो वह आंखें बंद करके लेट जाता है और उस डैफोडिल्स के सुंदर अनुभव को याद करता है। जब वह डैफोडिल्स को याद करता है वह कितना भी थका हुआ हो वह एकदम से फिर एकदम प्रसन्न हो जाता है।